YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम यह जानते हैं कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान का पूजन करते समय हमारी जो मुख की दिशा है वो किस तरफ होनी चाहिए। ये बहुत बार बहुत सारे प्रश्न मेरे से पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए यह विशेष वीडियो बनाकर किसी के मन में शंका ना रहे कि हम गलत जगह पर बैठकर या गलत दिशा में बैठकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। वैसे तो सर्वत्र देखा जाए भगवान विद्यमान है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान तो सब जगह है। ऐसे कौन सा स्थान नहीं है जहाँ भगवान ना हो? वो स्थान हो ही नहीं सकता जहाँ भगवान ना हो। लेकिन दिशा में बैठकर पूजा करने का विशेष फल यह रहता है कि भक्त जिस दिशा में बैठकर भी भगवान का पूजन करता है उसी दिशा का प्रभाव उसके मन पर अत्यधिक पड़ता है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि देखा जाए तो 10 दिशाएं हैं। प्रत्येक 10 दिशाओं के अंतर्गत कुछ कुछ ऐसी विशेष दिशाएं हैं जिसमें कुछ ना कुछ विशेष देवी देवताओं का अधिकार होता है। कहते हैं कि पूर्वे सर्वदेवानां, दक्षिणेश्च मानवाः, उत्तरे ऋषि तीर्थानि, दक्षिणे पितरस्तथाः। जो पूर्व की दिशा होती है वो देव स्थान माना जाता है, जो दक्षिण की दिशा होती है वो पितरों का स्थान माना जाता है, जो पश्चिम की दिशा होती है वह मानवों का स्थान माना जाता है, और जो उत्तर की दिशा होती है वो ऋषियों का, तीर्थों का स्थान माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक देवी देवता या ऋषियों का या तीर्थों का अपना एक विशेष विशेष स्थान है। इसीलिए भक्ति भी उसी विशेष स्थान को धारण करके भगवान की उपासना, अर्चना, वंदन आदि कर्म करता है। इसलिए जब भी आप भगवान की पूजा करें तो उस समय आपका जो मुख दिशा है किस तरफ होनी चाहिए, इसके विषय में मैं आपको शास्त्र के प्रमाण के माध्यम से बताऊं। आप ध्यानपूर्वक इस बात को सुने और समझने का प्रयास करें। निर्णय सिंधु के अंतर्गत वाचस्पति के द्वारा कहा गया है कि प्राक पश्चिमो उदगायस्तु प्रातः सायं निशाशुच। अर्थात जब आप प्रातः काल के समय भगवान की पूजा करें तो आपका मुख सदैव पूर्वाभिमुख होना चाहिए, पूर्व की ओर आपका मुख होना चाहिए। और जब आप सायंकाल के समय, संध्या काल के समय भगवान की पूजा कर रहे हों तो आपका मुख पश्चिमाभिमुख होना चाहिए। और जब आप रात्रि के समय भगवान का पूजन कर रहे हो तब आपका मुख उत्तराभिमुख होना चाहिए। यह शास्त्र का प्रमाण है, चाहे तो आप निर्णय सिंधु में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से वायु पुराण के 21वें अध्याय के अंदर भी दिशा को लेकर यह श्लोक स्पष्ट करता है कि ध्याये देवम च देवीम च प्रांग मुखो वापि उद्मुखः। अर्थात कि जब भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें सर्वप्रथम आपका जो मुख होना चाहिए वह पूर्वाभिमुख होना चाहिए। अगर पूर्वाभिमुख की व्यवस्था ना बने तब आपको उत्तराभिमुख होकर भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए, चाहे वो प्रातःकाल का समय हो, चाहे वो संध्याहन का काल समय हो, चाहे वो रात्रि का समय। और इसी दिशा को लेकर ग्रहीय परिशिष्ट के अंदर भी बहुत स्पष्ट एक श्लोक कहा गया है, आप उसको भी सुने। कहा गया है कि प्रतिमाह प्रांग मुखीर उदंग मुखो यजेत अन्यत प्रांग मुखः एतच्च स्थिर प्रतिमा विषयम्। अर्थात कि जब भी आप किसी देवालय में जावें तो भगवान के मंदिर में सदैव अचल प्रतिष्ठा होती है। अचल प्रतिष्ठा का अर्थ होता है जिसको हिलाया नहीं जा सकता। और घर के अंदर जिन हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी चल प्रतिष्ठा होती है। इस श्लोक में इसका अर्थ यह बताया गया है कि जब आप अचल प्रतिमा की पूजा कर रहे हो अगर उन अचल प्रतिमाओं का मुख पूर्वाभिमुख है तब आपको उत्तराभिमुख होकर उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन घर के अंदर ऐसी स्थिति नहीं होती, आपने घर के अंदर जो चल प्रतिमाएं होती हैं उनका पूजन सदैव पूर्वाभिमुख होकर करना चाहिए। अर्थात आप घर के अंदर जब भी भगवान की पूजा करें तो सदैव पूर्वाभिमुख होकर भगवान का पूजन करना चाहिए, यह शास्त्र का प्रमाण है। इस तरह से मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा कि हमको कौन सी दिशा को किस समय और किस वक्त बैठकर करना चाहिए। इस तरह से यदि आपके मन में दिशाओं को लेकर अभी भी कोई भेद है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देता रहता हूं। इस तरह से अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।